हेलो दोस्त, कैसे हैं? आज करेंगे भारत का भूगोल, भारत के भूगोल से संबंधित, भारत की अवस्थिति और विस्तार से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और सभी क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बाद जो भी अपने ऑप्शन होंगे उनसे भी क्वेश्चन कवर करने के प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपना, भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी द्वीप है। भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन आपके सामने है, नारकोंडम द्वीप, पंबन द्वीप, तीसरा माजुली द्वीप और बैरन द्वीप। दोस्त, राइट आंसर होगा अपना बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है वो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी द्वीप है। नारकोंडम द्वीप है वो उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में स्थित है। नारकोंडम द्वीप है वो उत्तरी अंडमान है, जैसे उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में स्थित है, यहाँ पर है नारकोंडम द्वीप। नेक्स्ट है अपना पंबन द्वीप। पंबन द्वीप है वो आदम ब्रिज का हिस्सा है। पंबन द्वीप है वो आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप है वो नदी द्वीप है और कहाँ पर है? असम में है। और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है। बैरन द्वीप है वो, बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूरम में स्थित है। बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूरम में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन दूसरा, मिनिकाय और लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी। राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी दोस्त, 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकाय को मालद्वीप से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। उसके बाद 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। भारत और चीन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन है, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, एलओसी रेखा। सही उत्तर है अपना ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा है वो 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा इसका जो खींची गई, निर्माण किया गया, ये समझ लें। डुरंड रेखा 1896 में सर मल्टीलर डुरंड द्वारा 1896 में खींची गई भारत और अफगानिस्तान के बीच यह रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच थी। रेडक्लिफ रेखा है वो 1947 में सर सीरियल रेडक्लिफ द्वारा इसका विभाजन किया गया। एलओसी है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है? ऑप्शन 5, 7, 9, 11। राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग का भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत का ध्रुव है जो दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, 775 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 876, 867 और 916 किलोमीटर। राइट आंसर है 876 किलोमीटर। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पे है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। और 6 डिग्री 4 मिनट, भारत का जो इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ पे है 6 डिग्री 4 मिनट पे, और वो मध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश यहाँ से गुजरती है।
और 6 डिग्री 4 मिनट और 0 डिग्री 1 अक्षांश के बीच में 876 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत की सतलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन 5400 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। राइट आंसर है 15200 किलोमीटर। सतलीय सीमा की लंबाई पूछा था दोस्तों कितनी है, 15200 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा की लंबाई पूछ ले कितनी है, तो 7516.5 किलोमीटर जलीय सीमा की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 5400 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई 5400 किलोमीटर है। और दोस्त पूछ ले भारत की कुल सीमा कितनी है, 22716.5 किलोमीटर, और भारत की मुख्य सतलीय भूमि की 15200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की सीमा कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की सीमा कितनी है? ऑप्शन 2933 किलोमीटर, 3124, 3214 और 3412 किलोमीटर। राइट आंसर है 3214 किलोमीटर। दोस्त पूछ ले पूर्व से पश्चिम भारत की सीमा कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है, भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है कौन करता है? तो मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल या पंबन द्वीप। राइट आंसर होगा पंबन द्वीप। दोस्त अंडमान ब्रिज है उसके उत्तर में क्या बताया था आपको, पाक की खाड़ी है, और दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी। अंडमान द्वीप पे क्या स्थित है, पंबन द्वीप उसका हिस्सा है, और यहाँ पे ही एक रामेश्वरम, तो भारत का फेमस स्थल है रामेश्वरम, वो है पंबन द्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये बात है। अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। राइट आंसर होगा झारखंड। कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। सही उत्तर है बांग्लादेश, और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। लंबाई कितनी है, 4096.71 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, उसके बाद नेपाल की 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, चीन की 3488 किलोमीटर, और म्यांमार की 1643 किलोमीटर, और भूटान की लगती है 699 किलोमीटर। ये दोस्त अपने पड़ोसी देशों की कितनी सीमा और किलोमीटर में, वो भी बता दी आपको कितनी कितनी लगती है। सबसे ज़्यादा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की, लद्दाख वाला क्षेत्र लगता है दोस्त आजकल। दोस्त आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।